हेलो। एनीवन इज देयर? हाय, आई एम वेटिंग फॉर द मोर पीपल। इफ 10 इज देयर, 10 आर देयर, 16, ओके देन आई कैन स्टार्ट। एक्चुअली आई एम वेंद्रिला मजुमदार। आई एम फ्रॉम पुणे एंड आई सिलेक्टेड एज अ विनर फ्रॉम IFAG ग्रुप एंड देन आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू डूइंग माई लाइफ इन अमूल पेज। सो थैंक यू माई एडमिन IFAG एडमिन एडमिन पैनल एंड रेस्पेक्टेड जज एंड थैंक यू ऑल। एंड टूडे आई एम मेकिंग एक्चुअली टू डिशेस आई विल मेक। तो फर्स्ट वन इज चीजी सैंडविच विथ पनीर, अमूल पनीर। एंड आई विल यूज इन एवरी टू रेसिपीज आई विल यूज अमूल प्रोडक्ट। सो वन इज अमूल पनीर एंड अमूल बटर एंड अमूल चीज। सो दीज आर माई इंग्रीडियंट्स। पहले मैं क्या किया, ये मेयोनीज एंड टोमेटो सॉस दोनों एक साथ मिला के मैं एक मिक्स बना के रखा। पनीर क्यूब को, पनीर को मैं ऐसे, अमूल पनीर को मैं ऐसे काट कर लिया। ओके, आई हैव कट इट डाउन। एंड नाउ ये फॉर ये जो मैं बता रही हूं ये सब टिक्का के लिए है। ये है सरसों का ऑयल, दिस वन इज टोमेटो चॉप हुआ टोमेटो एंड हियर इज ऑनियन कैप्सिकम ऑल आर चॉप एंड हियर इज अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। इधर धनिया पत्ता, धनिया पत्ता आई हैव चॉप्ड इट एंड हियर इज पुदीना पत्ता एंड ऑल द अदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स आर धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, हियर इज आमचूर पाउडर, कैरम सीड्स और अजवाइन एंड ऑरिगन एंड हियर इज सम आई हैव टू यूज दिस लेमन जूस ऑल्सो, सो आई हैव केप्ट ओवर हियर एंड हियर इज बॉइल्ड कॉर्न। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द रेसिपी। फर्स्ट वी हैव टू मेक अ पेस्ट विथ पनीर एंड ऑल ड्राई इंग्रीडियंट्स एंड सरसो का ऑयल। आई एम डूइंग दैट। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग अ बोल और ओके नाउ वन बाय वन आई एम गोइंग टू मिक्स ऑल द इंग्रीडियंट्स। फर्स्ट आई नीड सम अमूल दही, सॉरी फर्स्ट आई एम टेकिंग अमूल दही। दैट्स इट। नाउ आई विल, ये थोड़ा फेंटना है मुझे, बीट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स ऑल द ड्राई इंग्रीडियंट्स। फर्स्ट आई एम टेकिंग धनिया पाउडर, नेक्स्ट लाल मिर्ची पाउडर। मैं इधर खाली दो पीसेस लिया, दो सैंडविच के लिए, ये सैंडविच भी है इधर, तो दो सैंडविच के लिए मैं इतना सा ही इंग्रेडिएंट्स लिया। अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटी यू कैन इंक्रीज और इंक्रीज इट। ओके, नाउ सॉल्ट,
black pepper powder, 1/4 teaspoon I am taking, and that dhaniya powder I have taken half teaspoon, and lal mirch powder I have taken half teaspoon. Now amchur powder. Keep the camera straight. Now amchur powder, chaat masala, 1/4 teaspoon carom seed. And now adrak lasun paste, and lastly I will take sarso ka oil. For this recipe you have to take only sarso ka oil, okay, because that flavor of that oil, it will enhance the recipe, okay. So here it is, and now I will mix all the ingredients very well. I think I need some red chili powder more, so I am putting that. Now mix it well. So these paneer cubes, not actually cubes, I have made it like that flat, okay. So aise karke isko dip karna hai. If you have time, it will be better to dip for 15 to 20 minutes, but here time is not there, so I am keeping like that. After 5 minutes I will make it, okay. So here it is done, I am keeping it here. And now I am going for the next step. Now you have to take this bread, okay, and I am making this. In the meantime I switch on the gas, so tawa should be hot. So now ये जो हमने मेयोनीज और टोमेटो सॉस का जो टोमेटो केचप का जो बना के रखा था ना डिप, तो अभी मैं इसको स्प्रेड करूंगी, इसके ऊपर मैं स्प्रेड करने वाली हूँ, ओके. एंड सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट इंग्रेडिएंट्स आल्सो, दिस वन इज चिली फ्लेक्स, एट द एंड आई हैव टू यूज इट. नाउ so like that only, just spread it. Here also you have to spread it. And now I am showing you, already I have made I have prepared that paneer. Just shallow fry किया मैंने, थोड़ा सा oil डाले और करके दोनों side को मैं just fry कर लिया, ठीक है, ऐसे. तो मैं दिखा रही हूँ और एक बार. ये जो मैंने बनाया ना mixer, जो पनीर पीसेस को डीप करके रखी थी, तो इसको मैं अभी फ्राई करने वाली हूँ. फ्राई मीन्स वेरी लिटिल ऑयल आई विल स्प्रेड ओवर हियर, एंड देन आई विल डू अ शैलो फ्राई. दैट्स इट. आई एम शोइंग यू जस्ट वन पीस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी आई हैव डन वन. थोड़ा गर्म होना चाहिए तवा.
this one is like that only. So you have to shallow fry this. It's very easy to make, and the main thing is that children will love it. And if you don't have any time to make, and बच्चे लोग आ गए, बच्चे का party हो रहा है, तो it is very easier to make. मिनट में हो जाता है, maximum 10 या 15 मिनट में ये पूरा बन जाएगा अगर आपका सब कुछ तैयार रहे तो. तो it is very easy to make and बच्चे लोग enjoy भी करता है because इसमें cheese जाता है, पनीर जाता है. सो दे विल, एंड सबसे बड़ी बात है ये बहुत हेल्दी भी है. आप अगर कम ऑयल में बच्चे लोगों के लिए अगर बना सकते हो तो ये बहुत ही हेल्दी भी है. सो यू कैन ट्राई इट, एंड सो इट इज वेरी इजियर टू मेक. सो बच्चे भी बना सकते हैं थोड़ा. आप अगर इसको फ्राई करके दोगे ये पनीर को, तो बच्चे लोग भी बना सकते हैं खुद पे खुद. जस्ट इसको शैलो फ्राई होने दीजिए. अभी मैं इसको उठा लेती हूँ क्योंकि आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द टू पीसेस ऑफ पनीर. सो दिस वन आई एम कीपिंग हियर फॉर फर्दर यूज. एंड नाउ आई विल गो टू द थर्ड प्रोसेस. हियर इज माई पनीर पीसेस एंड आई वॉन्ट टू प्रिपेयर द तवा फॉर making sandwich. And now I am keeping these pieces like that, and here also it will be an open sandwich. Okay, here also. And now I will spread the other ingredients like that. इधर कैप्सिकम चॉप हुआ है तो आप ये डाल दो पहले, ये डाल दीजिए पहले. पनीर का ये जो पीसेस है ना, आप कोई भी साइज में बना सकते हो. जैसे मैं पतला पतला स्लाइस कर लिया, एकदम थिन स्लाइस में मैं कर लिया. आप इसको क्यूब करके भी बना सकते हो, जो आपका मर्जी है. अभी ये टमाटर चॉप्ड हुए हैं, ये मैं डाल रही हूं. मैं मेरे हाथों का यूज कर रही हूं. Now onion. मैं एकदम थिन स्लाइस में काट कर लिया, तो क्या होता है ना, पूरा ये जो पूरा सैंडविच का वो जो कवर कर लेते हैं, तो इसीलिए मैं ऐसे किया. आप क्यूब में भी कर सकते हो, ठीक है. तो ये सब्जी, सब सब्जी जा रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ हेल्दी रेसिपी फॉर चिल्ड्रेन. आप स्नैक्स में भी दे सकते हो या ब्रेकफास्ट में. सो इट इज अ गुड ऑप्शन.
एंड नाउ थोड़ा कॉर्न बॉइल, ये बॉइल हुआ है हा? ये कॉर्न को मैं थोड़ा नमक देके जस्ट 5 मिनट बॉइल कर लिया और कुछ भी नहीं। मैं अभी किसी का कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो बाद में मेरा जब लाइव हो जाएगा तब मैं सबका कमेंट का जो भी अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं वो आंसर कर दूंगी, ठीक है। अच्छा अभी मैं जो दे रही हूँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर, जस्ट स्प्रिंकल इट, ओके। नाउ थोड़ा सा ओरिगेनो, ये ऑप्शनल है, ओरिगेनो नहीं भी डाल सकते हो। बच्चे लोगों को इसका ये ओरिगेनो का फ्लेवर अच्छा लगता है, जैसे किसी किसी को लगेगा ये पिज्जा पिज्जा जैसे है, तो इसलिए मैं ओरिगेनो का यूज किया। ये थोड़ा चाट मसाला, ठीक है ना, थोड़ा गरम मसाला, ये इंडियन टच देने के लिए थोड़ा गरम मसाला मैं यूज कर रही हूं, और लास्टली चिली फ्लेक्स, एंड उसके ऊपर मैं चीज जो अमूल का जो स्लाइस चीज है ना वो मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। ये जो अमूल का स्लाइस जो चीज है ना मैं इसको यूज करने वाली हूँ। अभी मैं ये अमूल बटर जो है ना उसका यूज करने वाली हूँ। अच्छा और एक चाहिए, ये अमूल बटर का यूज करने वाली हूँ। अभी मैं इसको देके थोड़ा डाल दूंगी, ये इसको थोड़ा सफा कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ पहले। गैस को ऑन करके एकदम धीमी आंच पे 2-3 मिनट जस्ट रखना होगा, दैट्स इट। ये जो मैं तैयार किया था अभी इसको मैं रख दूंगी, सॉरी आई डिडंट यूज पनीर बटर, पहले बटर को यूज करना चाहिए, पहले थोड़ा सा मैं बटर यूज कर दूंगी। तो अभी मैं इसको डाल दूंगी, रख दूंगी, ठीक है, दैट्स इट। इसको होने दो, धीमी आंच पे इसको होने दो। इसको धीमी आंच पे होने दो। मैं मेरा नेक्स्ट रेसिपी में चले जा रही हूँ। अभी जो रेसिपी है ना ये मैं अमूल क्रीम से अमूल क्रीम को फेंट लिया, ठीक है, ऐसे। इसके लिए मुझे चाहिए अमूल क्रीम और ये अमूल मिठाई मेट, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स है। और इधर है चॉप कर जो सीजनल फ्रूट है जो भी, ये एप्पल चॉप करके लिया मैंने, ये है ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स, ये है ग्वावा, पियर्स एंड पोमग्रेनेट, तो यही मुझे चाहिए। तो आपको जो जो पसंद है फ्रूट्स आप ले सकते हो, तो जो अवेलेबल था ये सीजनल तो मैं वही लिया। और उसके साथ थोड़ा जो चाहिए वो है थोड़ा चाट मसाला
और ब्लैक पेपर पाउडर फॉर थोड़ा रेसिपी को और अच्छे बनाने के लिए ये दोनों चीज चाहिए बस। अभी मैं एक एक करके ये फ्रूट्स को डाल रही हूँ। जस्ट इसको मैं हैंड बीटर भी यूज नहीं किया, इससे मैं बीट कर लिया, ठीक है, यही इनफ है। तो अभी मैं दे रही हूँ, ये भी बच्चे लोग एकदम इजीली बना सकते हैं। तो मैं आज जो रेसिपी है वो मैं बच्चे के लिए मेनली बना रही हूँ, तो इसीलिए दोनों रेसिपी वेरी इजी टू मेक एंड चिल्ड्रन कैन डू आल्सो, सो दैट्स व्हाई आई एम कीप दिस टू रेसिपीज, ठीक है। तो थोड़ा सा एप्पल चॉप्ड हुआ, नेक्स्ट गुआवा, पियर्स, ग्रेप्स, ग्रेप्स बच्चे पसंद करते हैं तो वो ज्यादा दे सकते हो आप लोग, और अगर मैंगो मिलता है तो वो तो बहुत ही अच्छा होता है अगर मैंगो आप दे सकते हो। अभी मैं थोड़ा ब्लैक पेपर, देखिए एकदम कम 1/8 स्पून लाइक दैट, तो थोड़ा सा देती हुई है, और थोड़ा सा चाट मसाला, दैट्स इट। हाँ, आप लोग अगर मुझे शायद पूछोगे ये मैंने डेजर्ट है तो आप क्यों दे रहे हो ये चाट मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर, बिलीव मी ये दोनों देने से ना ये जो फ्लेवर जो है ना ये और अच्छा लगता है, आप एक बार यूज करके ऐसे देखो, पर हाँ बहुत कम क्वांटिटी में। अभी मैं अमूल मीठा मेट को यूज करने वाली हूँ, एक बहुत ज्यादा नहीं, जितना मीठा आपको पसंद है उतना ही मैं एक स्पून का यूज कर रही हूं, तो 2 स्पून इनफ इसके लिए। ठीक है ना, बस अभी इसको मिक्स करना है। अभी इसको खाली मिक्स करना है और कुछ नहीं है। अभी मैं ये थोड़ा सा अभी बाकी है, अभी भी ये चीज को मेल्ट करना होगा, जब तक मेल्ट नहीं होगा तब तक इसको पकने देना चाहिए, ठीक है, तब तक ये कुक होगा। अभी मैं इसको ना साफ करने वाली हूं, ये एक बोल ले लीजिए, कोई भी बोल, आप शायद देख सकते हो, सो बस आई हैव डन विद दिस रेसिपी। एंड लास्ट में एक पुदीना पत्ती, सो 1 रेसिपी आई हैव डन, ओके, दिस वन इज क्रीमी फ्रूट सैलेड, ओके, एंड ऊपर से मैं थोड़ा ये जो पोमोग्रेनेट है ये खाली थोड़ा स्प्रेड कर रही हूँ, स्प्रिंकल कर रही हूँ। ओके, 1 रेसिपी आई हैव डन, सो आई एम कीपिंग इट हियर एंड लेट्स सी व्हाट अबाउट द अदर रेसिपी। ये भी बनके तैयार हो गया, सो मैं इसको बंद कर रही हूँ, चीज मोटा मोटा मेल्ट हो गया। अभी जो करना है थोड़ा समय धनिया पत्ती को इधर दूंगी, ठीक है,
थोड़ा और इस बार चिली फ्लेक्स, अभी मैं इसको सर्व करने वाली हूँ। तो हो गए। अभी अगर चाहते हो आप कोई भी ग्रीन चटनी, मैं जैसे ग्रीन चटनी पसंद करती हूँ तो ग्रीन चटनी भी बना दे सकते हो आप, और अगर कोई भी और चटनी यूज करना चाहते हैं तो जो भी आपका मन है। ग्रीन चटनी सैलड के साथ सबसे अच्छा सैंडविच के साथ सबसे अच्छा जाता है। सो दैट्स इट। अभी ये जो चीज और जो भी है आप आपका हिसाब से, आपके हिसाब से वो आप ज्यादा या कम कर सकते हो। सो आई हैव डन दिस रेसिपी आल्सो। सो दिस वन एंड आई एम एंड इट इज बोथ द रेसिपी रेडी टू सर्व। फर्स्ट इज दैट द चीजी सैंडविच विथ पनीर एंड वेजिटेबल्स, अमूल, एंड आई हैव यूज्ड अमूल पनीर, and here creamy fruit salad where I have used cream, Amul fresh cream and fruits. Okay, so these I have done. Okay, thank you. आप सब मेरा live देखा इसीलिए thank you so much and good evening to you all. So bye. Thank you.